विज्ञान से जुड़ी नवीनतम वीडियो को देखने के लिए चैनल की सदस्यता लेना ना भूलें और विज्ञान से संबंधित सभी वीडियो पर जानकारी लेने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। गंदगी को तीन श्रेणियों में बांटा गया है, ऑर्गेनिक यानी कि कार्बनिक, इनऑर्गेनिक यानी कि अकार्बनिक और कॉम्बिनेशन यानी कि संयोजन। ऑर्गेनिक गंदगी में जैविक स्रोतों से आया हुआ सब कुछ शामिल होता है, जैसे कि तेल, छिलके और खाद्य पदार्थ। अकार्बनिक गंदगी में शामिल होता है रस्ट यानी जंग, जो हवा और पानी के मिलने से प्रतिक्रिया करने पर बनता है, जैसे रेत, गाद और मिट्टी जैसे खनिज। कार्बनिक गंदगी को हटाने के लिए एल्कलाइन क्लीनर या मिश्रण का इस्तेमाल किया जाता है। ये तेल या वसा को तोड़ देता है और घिसने पर इसे आसानी से हटाया जा सकता है। वहीं अकार्बनिक गंदगी को एसिड से हटाया जाता है। एसिड आधारित स्प्रे का इस्तेमाल ज्यादातर बाथरूम, सिंक और नलों को धोने में किया जाता है। इसके कठोर व्यवहार से गंदगी खत्म हो जाती है और पदार्थ की सतह वैसी ही बनी रहती है। विशेष रूप से सफाई के लिए बनाए गए उत्पाद जैसे कि स्टेन रिमूवर और ब्लीच में विभिन्न रसायनों का इस्तेमाल किया जाता है। इन उत्पादों का इस्तेमाल कपड़े या फिर स्पॉन्ज से किया जाता है। ये रसायन घर को साफ रखने और साथ ही हानिकारक बैक्टीरिया से सुरक्षा देने में सहायक होते हैं, जो गंदे बर्तनों को देर तक रखे रहने से उत्पन्न होते हैं। ये रसायन आमतौर पर हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है, जो रंग पैदा करने वाले अणुओं को तोड़ देता है। मुख्य रूप से ये तब प्रभावी होता है जब किसी पदार्थ को 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान पर धोया जाए। इससे कम तापमान पर प्रभावशाली बनाने के लिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड में टेट्रासेटिल एथाइलीन डाइमीन मिलाने की जरूरत होती है। एक तरफ से नरम और दूसरी तरफ से खुरदरे सतह वाले स्काउरर पैड को इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि ये घर्षण द्वारा गंदगी को साफ कर सके। ये गंदगी के कणों को घर्षण द्वारा तोड़ देता है और बर्तन को साफ कर देता है। डिटर्जेंट में सर्फेक्टेंट रसायनों का इस्तेमाल किया जाता है, जो पानी को तेल में प्रवेश करने और कणों को अलग करने की अनुमति देता है। इससे प्लेट में जमी गंदगी ढीली पड़ जाती है और आसानी से साफ हो जाती है। प्रेशर वॉशर में उच्च दबाव पर पानी के शक्तिशाली प्रभाव का इस्तेमाल किया जाता है। यह आसानी से सतहों जैसे कि दीवारों और रास्तों पर मौजूद गंदगी को हटा देता है। ड्राई क्लीनिंग में नाजुक कपड़ों को धोने के लिए पानी की जगह रसायन मिश्रणों का इस्तेमाल किया जाता है। इससे कपड़े खराब नहीं होते, जो कि सामान्य वॉशिंग मशीन या ड्रायर में हो सकता है।